आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल तक दे इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा, चुनाव आयोग 15 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मांगा था 30 जून तक का समय। चंडीगढ़ निगम में हंगामे के बीच फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी के मेंबर चुने गए। 3 आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और 2 भाजपा के मेंबर इसमें शामिल। सांसद खेर बोली, राजनीति से सिरदर्द हो गया। बरगाड़ी बेअदबी मामले में डेरा प्रमुख राम रहीम को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगी। डेरा मुखी ने सीबीआई जांच की मांग की। हाईकोर्ट ने पिटीशन डबल बेंच को भेजी। 15 मार्च को 2 इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हो सकती है। 13 या 14 मार्च को पीएम की अध्यक्षता में पैनल की मीटिंग संभव। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने 8 मार्च को राष्ट्रपति को दिया था इस्तीफा। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, अगर श्रीराम होते तो बीजेपी उनके पास ईडी सीबीआई भेजती, बंदूक रखकर पूछती, बेटा पार्टी में आओगे या जेल जाना चाहोगे। दिल्ली विधानसभा में दिया बड़ा बयान।